नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और इसके साथ ही कई नेताओं की नाराजगियां भी जो शुरू हो गई हैं, जो आपको खबरों के माध्यम से देखने और सुनने को मिल रहा होगा। मुकेश सहनी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दिल्ली में है, क्योंकि वो जो विभाग चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाया, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही एक खबर और आई कि निषाद समाज के आरक्षण को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। इन तमाम मुद्दों पर निषाद समाज के बारे में हम आज बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है सर। हम बता दें कि ये वीआईपी के पूर्व फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं और वीआईपी के दिग्गज नेताओं में से रहे हैं। इनकी बात जो है काफी जो है प्रभावशाली होती थी, लोग इनको सुना करते थे। सर, जो केंद्र सरकार ने निषाद समाज के आरक्षण को खारिज कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि केंद्र सरकार के द्वारा खारिज नहीं किया गया। हमारे समाज के जो तथाकथित नेता हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ये बात उन्होंने मीडिया के माध्यम से हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के बीच में गलत फैला रहे हैं। आप ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल दावे के साथ। ऑफिशियली लेटर है जनजाति मंत्रालय का जो भेजा गया है बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को, 15/6/2020 को रिमाइंडर के तौर पर लेटर भेजा गया था जनजाति मंत्रालय के द्वारा कि एथनोग्राफी रिपोर्ट जो आपने दिया है निषाद और निषाद की उपजातियों के लिए कि इनको जनजाति में शामिल किया जाए, तो उसकी क्राइटेरिया में कुछ कमी रह गई थी जिसको फुलफिल करके आप पुनः आप केंद्र को सूचित करें ताकि इनको आरक्षण दिया जा सके या नहीं दिया जा सके। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि खारिज कर दिया? ये तो हमारे समाज के कुछ वैसे लोग हैं, वैसे नेता हैं जो समाज को दिग्भ्रमित और अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज के बीच में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत मैसेज फैला रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी का क्या अगला स्टेप होगा? देखिए, मुकेश सहनी को समाज से आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं है। अगर समाज की बात मुकेश सहनी, लेकिन उनकी राजनीति जो है निषाद आरक्षण को लेकर ही है। निषाद आरक्षण के लेके वो मंत्री बने थे, मंत्री बन गए। इससे आगे का सोच मुकेश सहनी का नहीं है और न रहेगा। अगर आरक्षण का सोच है मुकेश सहनी को, मैं खुले आपके चैनल से चैलेंज करता हूं, अगर निषाद आरक्षण की बात करते हैं, निषाद आरक्षण दिलाना चाहते हैं, तो मंत्री पद छोड़े मुकेश निषाद और पूरे बिहार के निषाद बिना शर्त के उनके साथ जाने को तैयार है, लेकिन निषाद आरक्षण के लिए। जी जी, मदन सहनी भी जेडीयू के खाते से कोटे से मंत्री बने हैं, अब वो निषाद समाज के आरक्षण को लेकर चंपारण से पद यात्रा करने वाले हैं। जब वो प्रभारी मंत्री थे नीतीश जी के कैबिनेट में पिछली बार, चंपारण के प्रभारी मंत्री थे, तब तो उन्होंने चंपारण के लिए कुछ किया नहीं। खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे बिहार सरकार में, वो पीडीएस का जो दुकान होता है उनके अंतर्गत आती है, लेकिन उन्होंने आप बता दो कि पूरे बिहार में 2 करोड़ आबादी निषादों की है, 22-23 उपजातियां मिला के कितने लोगों को उन्होंने पीडीएस का लाइसेंस दिलाया? आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीडीएस का लाइसेंस निषाद समाज के लोगों को नहीं दिलाया? किसी को नहीं, कुछ नहीं। जब उनका मंत्री पद चला गया, मंत्रिमंडल का विस्तार में अपने मंत्री पद सुनिश्चित कराने की बारी आई, तो चंपारण बापू का धरती रहा है, बापू ने आंदोलन शुरुआत किया था चंपारण की धरती से, तो उन्होंने चंपारण के नाम का भी राजनीतिक फायदा ले लिया और मंत्री पद में जाकर बैठ गए। आज उनका मंत्रिमंडल में उनका शामिल होना और कल होकर न्यूज चलना कि निषाद का आरक्षण खत्म, क्या है? लेकिन वो पदयात्रा तो निकाल रहे हैं चंपारण से। कहाँ निकाल रहे हैं? निकाले ना, स्वागत करते हैं। अगर निकालते हैं, मेरे समाज के कोई भी नेता हो और निषाद के आरक्षण की बात करेंगे, मैं उनके साथ। चलिए, एक सवाल और है कि आप वीआईपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे हैं और काफी दिग्गज नेता भी रहे हैं, आपकी बात सुनी जाती थी, तो वीआईपी छोड़ने के पीछे क्या कारण रहा आपका? देखिए, कहीं भी कोई छोड़ता है, किसी घर के बंटवारा होता है तो घर के बंटवारा अंतर्कलह की वजह से होता है, उन्नति के लिए भी बंटवारा होता है समाज की। मेरा वहां से कई महत्वाकांक्षा की तो लड़ाई नहीं थी, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा रही, मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रही। देखिए, मनुष्य को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, जो महत्वाकांक्षी नहीं होता उसका आगे कोई भविष्य नहीं होता। मुकेश सहनी आपसे डर गए थे क्या कि ये इंसान जो है अति महत्वाकांक्षी है? गुंडा मैं नहीं हूँ जो मुकेश सहनी डरे मेरे से। नहीं, महत्वाकांक्षी डर गया था उनसे, क्या उनका बयान भी बार बार आता रहता है मेरे से बड़ा गुंडा कौन है। मैं महत्वाकांक्षी जरूर हूँ और महत्वाकांक्षी होना चाहिए, महत्वाकांक्षी के साथ साथ मैं स्वाभिमानी भी हूँ और स्वाभिमान के साथ मैंने समझौता नहीं किया, इसलिए मैंने वीआईपी छोड़ा। और वीआईपी में वैसे लोग आज हैं जिनका राजनीति पेशा है, पेशा का राजनीति पेशा नहीं, नहीं है। मैं राजनीति समाज के भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, स्वाभिमान के लिए राजनीति में आया। हर राजनेता यही कहता है कि एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो ये कहता है ये हमारा पेशा है, कहता है कि ये तो समाज सेवा के लिए मैं आया हूँ, लोगों की भलाई करने के लिए आया। समाज सेवा होता ना तो मुकेश सहनी जाके मंत्री पद के लिए और एमएलसी के लिए सिफारिश नहीं करते, त्याग पत्र देते और आरक्षण के लिए सारे समाज को इकट्ठा करते, एक प्लेटफॉर्म पर आते और आरक्षण की लड़ाई लड़ते जी।
तब मैं मानता कि नहीं समाज सेवा है। ये कौन सा समाज सेवा है? मंत्री पद के लिए एमएलसी पद के लिए जाकर रूठ जाते हो, दिल्ली में बैठते हो। अमित शाह जी से आज के पेपर का हेडलाइन था कि उन्होंने अमित शाह से मिलकर एक मंत्री पद और एक एमएलसी की मांग की। ये कौन सा समाज सेवा है? आपको अगर समाज की बात करते हो तो आप बोलो कि आरक्षण अगर बीजेपी देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं मंत्रिमंडल से बाहर जा रहा हूं, तब बोलेंगे समाज सेवा। एमएलसी ले लो, मंत्री पद ले लो, और इसको बोलते हो समाज सेवा। मुकेश निषाद जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप क्या ऐसा करेंगे ताकि जो है निषाद समाज को आरक्षण मिल सके, क्योंकि हर कोई राजनीति इसी बात से शुरुआत करता है निषाद आरक्षण को लेकर, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं, सत्ता के सहभागी बन जाते हैं, फिर वो ऐसे मुद्दों को छोड़ देते हैं। देखिए, मैं मुकेश सहनी का साथ भी छोड़ा था समाज के लेकर, हमारे समाज के लोग मिलकर वीआईपी को बनाए थे। निषाद की 22-23 उपजातियां प्लस दूसरे समाज के भी उसमें सहभागिता थी, उन्होंने समर्थन दिया था, तो वीआईपी का गठन हुआ। और जब वीआईपी से समाज को हक मिलना था, उस समय हक नहीं मिल सका। हमारे समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी थे जिनको चुनाव लड़ना था, उनको नहीं मिल सका हक, क्योंकि राजनीतिक जब पार्टियां बनती है तो हर कोई का इच्छा होता है कि हम भी सदन में चुन के जाए, चुनाव लड़े, ठीक है। तो उस समय जो भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी थे, जो हमसे सीनियर थे, उनको भी नहीं मिला, तो समाज के साथ बेईमानी हुआ, इसलिए मैंने वीआईपी छोड़ा, ठीक है। और बात छोड़ने की रही, आप क्या करेंगे आरक्षण को? देखिए, हम जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे संपर्क हो रहा है, और बहुत जल्द एक नए विकल्प लेकर समाज के बीच में हम आ रहे हैं, और उसमें सारे समाज की सहभागिता भी होगी, उनका समर्थन भी होगा, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके हम आ रहे हैं, जो समाज जिस सामाजिक निषाद समाज की सिर्फ बात करेगा और निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ेगा, वैसा संगठन लेकर हम आ रहे हैं समाज के बीच में। अब आपने वीआईपी छोड़ा, क्या आप फिर से ज्वाइन करना चाहेंगे? वो कौन सी शर्त होगी? क्या ऐसा अगर कुछ आपको ऑफर मिलता है तो क्या आप फिर से वीआईपी ज्वाइन करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो वीआईपी में ज्वाइन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं वीआईपी पार्टी में जा सकता हूँ, वीआईपी कंपनी में नहीं। अच्छा, वीआईपी अगर जिस दिन पार्टी बन गई उस दिन मैं जाने का सोचूंगा, लेकिन अभी तो वीआईपी कंपनी है, कंपनी का मुझे इंप्लॉय नहीं बनना। लेकिन मुकेश चने अगर ये कहते हैं कि हम आपको उचित सम्मान देंगे, आदर देंगे, तो क्या आप सोच सकते हैं वीआईपी में जाने के बारे में? पहले ही बोला ना, इंप्लॉय नहीं मुझे बनना है, मैं राजनीति नेता बनने आया हूँ, राजनीति करने आया हूँ, समाज की भलाई के लिए, समाज के दुख दर्द को समझना, समाज के बीच में जाना है मुझे, मुझे कंपनी में पदाधिकारी नहीं बनना है। जिस दिन वीआईपी पार्टी बन जाएगी उस दिन मुझे सोचना होगा, मैं सोचूंगा, लेकिन अभी तो कंपनी है, इंप्लॉय नहीं बनना है। मुकेश सहनी खुद को कहते हैं कि वो निषाद समाज के एस्टेब्लिश्ड लीडर हो चुके हैं, खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जहां वो कहते हैं कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है, उस मुद्दे के बाद वो लगातार लोकप्रिय हुए, मीडिया की सुर्खियां आना शुरू हुए, और वो या उनके सहयोगी मानते हैं कि निषाद जो है समाज के मुकेश सहनी एस्टेब्लिश्ड लीडर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है? बार बार मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? स्थापित। स्थापित होते तो बार बार चुनाव हारते हैं वो, कभी बेटा से कभी बाप से। मंत्री तो बने हुए हैं। अरे भैया, मंत्री तो किसी कोई मंत्री अकेला बने हुए क्या? अशोक चौधरी तो अभी एमएलसी भी नहीं है, फिर भी मंत्री बने हैं, उनसे ज्यादा कार्यभार उनके पास मिला हुआ है। कोई पहला मुकेश सहनी है क्या? मुकेश सहनी जो है बीजेपी के कोटे से, यानी बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, मदन सहनी को जेडीयू कोटे से मंत्री बना दिया गया, तो अब क्या और चाहिए? दो दो सहनी समाज के, निषाद समाज के अब मंत्री बन चुके हैं, और आपको क्या चाहिए? देखिए, हमको मदन सहनी से कोई मतलब नहीं, ना मुकेश सहनी से मतलब है, हमको सिर्फ चाहिए आरक्षण, और हमारे समाज को आरक्षण चाहिए। मुझे किसी मंत्री से कोई गिला शिकवा नहीं है, मंत्री बने अपना रोजगार करें, वो लोग मंत्री बने हैं सिर्फ रोजगार करने के लिए, खजाना भरने के लिए, अदरवाइज उनको समाज से कोई मतलब नहीं। अगर समाज से मतलब होता, मदन सहनी मंत्री बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो किए थे कि मैं पदयात्रा निकालूंगा चंपारण की धरती से, मंत्री बनते उनको बोलना चाहिए कि मैं मंत्री बन गया हूँ, फिर भी समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा और आरक्षण समाज को दिलवाऊंगा, लेकिन उनको तो क्या है, व्यवसाय है, उनका मंत्री पद मिलना, उनका अपना जो दुकान था सुरक्षित हो गया, पैसे कमाएंगे, खजाना भरेंगे, समाज कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है, किसी भी सरकार, किसी की भी सरकार बनती, किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, मान लीजिए आपको मौका मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं मान लीजिए, और अगर निषाद समाज के आरक्षण को फिर से खारिज कर दिया जाता है, तो क्या आप उस वक्त आप भी इस्तीफा दे देंगे? जो बात आप ये जो नैतिक जो दबाव डाल रहे हैं मुकेश सहनी पे या मदन सहनी पे, तो क्या अगर आप उस जगह पे होंगे तो क्या उस अति महत्वाकांक्षी मंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार होंगे आप? सेकेंड भर नहीं लगेगा, आप लिख लीजिए आज का दिन तारीख, और भविष्य में मैं कभी मंत्री विधायक बना और आरक्षण और समाज की बात आएगी, सेकेंड नहीं लगेगा, आप दिन तारीख लिख लीजिए मेरा कि मुकेश निषाद बोल रहा हूँ, समाज के लिए सेकेंड नहीं लगेगा, मंत्री पद जहां आप रोड पर भेटाएंगे ना, मैं रोड पर त्याग पत्र दे दूंगा, सदन में जाने के सदन में कुरियर कर दूंगा, लेटर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजवाऊंगा त्याग पत्र का, लेकिन वही त्याग पत्र दूंगा,
निषाद समाज से कोई समझौता नहीं, समाज के हित में जो होगा जी मुकेश निषाद त्याग पत्र क्या जान दे देगा, जान भी दे देगा बिल्कुल। तो अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।